क्या बात सताई जा रही है आपको? मिस्टर महाजन, मैं भी आपको एक बात बता दूं कि बिजनेस पार्टनरशिप में सिर्फ बिजनेस में हिस्सेदारी नहीं ली जाती, जरूरत पड़ने पर पार्टनर के घर को भी लिया जाता है। मिस्टर भानु प्रताप महाजन उस पिलर ऑफ सपोर्ट की तरह हैं जो हर कोई अपनी लाइफ में चाहता है। लव यू दादा बाबू। हो सकता है मित्र मैं बिला वजह परेशान हो रहा हूँ, लेकिन न जाने मुझे ऐसा क्यों लगता है कि कुछ सही नहीं है इस लड़की के विषय में। ये हमारी युविका जैसी दिखती जरूर है, लेकिन युविका जैसी रत्ती भर की नहीं है। क्या कभी तुमने हमारी युविका को बड़ों से जबान लड़ाते देखा है? और ये सच पूछो तो विदुर, ये लड़की मुझे मेरी युविका की याद दिलाती है, जिससे मैं और बेचैन हो जाता हूं। इस लड़की का इस घर से जल्द चले जाना ही हम सब के लिए बेहतर होगा। मैं कहीं नहीं जा रही सुभद्रा जी, तो आप मेरी चिंता करना तो छोड़ दो। ओ कम ऑन, पर्सनली मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम यहाँ रहो या जापान। इनफैक्ट मुझे इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम युविका हो या युक्ति, मुझे बस अपने पैसों से मतलब है। वाओ सुभद्रा जी, मानना पड़ेगा आपने ये प्रूव कर दिया कि आपने महाजन का खून ही दौड़ रहा है। तो क्या करूं मैं? मेरी किस्मत ही मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इसीलिए जहां फायदा होता है मैं वहीं चली जाती हूँ। बताओ क्या चाहती हूँ मुझसे? मुझे जो आपसे चाहिए वो ये है कि आप कौन है? Yes, ये रहे महाजन हाउस के पेपर्स। पिक्चर्स ट्रांसफर कर दिए। गुड जॉब सुभद्रा जी। थैंक यू। वैसे भी इन सब कामों में मैं बहुत माहिर हूं। वैसे तुमने महाजन हाउस के पेपर्स के पिक्चर्स तो मंगवा लिए हैं, लेकिन इरादा क्या है तुम्हारा ये मुझे नहीं पता। फिर भी एक बात मैं तुम्हें बताना चाहूंगी कि दादा बाबू से महाजन हाउस कोई नहीं छीन सकता। साम दाम,
जिंदगी और मौत का फासला जानती हूँ मैं सुभद्रा जी, इसलिए मेरे हौसले को नापने की कोशिश मत कीजिए। रिलैक्स रिलैक्स, तुम्हारा हौसला तुम्हें मुबारक, मुझे क्या, मुझे तो बस मेरे पैसों से मतलब है। तो एक बात याद रखना, मेरे इंस्टॉलमेंट्स मुझे टाइम पर मिल जाने चाहिए। वैसे भी आजकल बड़ी तंगी चल रही है, डीजे ने प्रॉमिस किया था कि वो मेरे हक के 11% शेयर्स मुझे जल्द से जल्द दिलवा देगा। एज यू नो, दादा बाबू जिंदा वापस आ गए, अब उनके रहते मेरे हक के शेयर्स मुझे मिलने से रहे, इसीलिए मेरी सारी उम्मीद बस तुमसे है, तुम ही हो मेरा एटीएम बैंक। तुम वाली सुभद्रा जी, आपकी इंस्टॉलमेंट्स आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। दैट्स वंडरफुल। तुम्हारे साथ बिजनेस करके बहुत अच्छा लगा, अगले इंस्टॉलमेंट पर मिलते हैं। आप मुझे धोखा नहीं देंगी, इस बात की क्या गारंटी है? रिलैक्स, सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को कभी कोई नहीं मारता। वैसे तुमने महाजन हाउस के पेपर्स की पिक्चर्स मंगवाई हैं, तो ये बात तो ऑब्वियस है कि तुम कोई बहुत बड़ा तूफान लाने वाली हो, है ना? लाओ लाओ, कोई बात नहीं। वैसे भी बाकी सभी लोगों से मुझे कोई हमदर्दी है ही नहीं, बेटी थी मैं इस घर की, लेकिन मुझे दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया, कभी मुझे कुछ भी नहीं दिया, जिसने जब चाहा मेरे सामने टुकड़े फेंक दिए, चाहे वो मेरी माँ हो या दादा बाबू, चाहे मेरा भाई हो या भतीजा डीजे, किसी ने भी मेरी कद्र नहीं की, तो फिर मैं उनकी परवाह क्यों करूं? रिश्ते कभी भी एक तरफ से निभाए नहीं जाते। आपके ऊपर 10 करोड़ का कर्ज है, राइट? मैं वो पूरा चुका दूंगी, और ऊपर से आपको 5 करोड़ और दूंगे। वफादारी के। परफेक्ट। जब तक तुम्हारे इंस्टॉलमेंट्स चलते रहेंगे, मेरी वफादारी भी चलती रहेगी। सच कहूं, मैं पर्सनली यही चाहती हूँ कि तुम यही महाजन हाउस में रुक जाओ और दादा बाबू को चैलेंज करो। महाजन हाउस के पेपर्स का इस्तेमाल तुम किस तरह करना चाहती हो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर तुम ध्यान से देखोगी तो तुम्हें वो तरीका मिल जाएगा जिससे तुम दादा बाबू को चैलेंज कर सकती हो। मेरी बात पर गौर करना। गार्गी, मिस मुल्तानी हैं या चली गई? बेटे अगर हैं तो उसे कहो कि यहाँ पर आए, हमें मेहमान नवाजी का आखिरी मौका दे और हमारे साथ नाश्ता करे। I don't think so, दादा बाबू, वो गई है। अगर जाती तो हाउसकीपिंग वाले बता देते।
विजय जाकर चेक करो मिस मुल्तानी ने अपना सामान बांधा या नहीं। आज उसका महाजन हाउस छोड़कर जाना तय है। आज उसका कोई बहाना कोई कारण उसका यहां से जाना टाल नहीं सकता। जी दादा प्रभु, I'll make sure that she leaves today. But हमें ये बहुत ध्यान से करना होगा। अभी सिर्फ डील साइन हुई है, बाकी का बहुत काम बाकी है। और मिस्टर मुल्तानी ने सारे बाकी के काम को ओवरलुक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी युक्ति को दी है। I'll personally see to it कि वो महाजन हाउस छोड़कर चली जाए आज के आज। बट थोड़ा कॉशियसली, कहीं हमारी तरफ से कोई गलती ना हो जाए। ठीक है। भगवान करे इनकी मर्जी का कुछ ना हो, नाकामयाब हो ये सब और युक्ति किसी न किसी तरह से यहाँ रुक जाए। आफ्टर ऑल मेरी असली मदद तो मेरी इस फैमिली ने कभी नहीं की, लेकिन युक्ति ने मुझे एक झटके में गंगा नहला दिया। उसे रोक लो भगवान, उसे रोक लो। ये तो डीएमसी की परमिशन लगती है। ये छोड़िए मैम, मेन प्रॉपर्टी डीड चेक करते हैं। नहीं रोज, हो ना हो इसी में कुछ है, इसी में कुछ होगा। वरना दादा बाबू ने ऐसा क्यों कहा कि इस घर में किसी की भी कोई भी हिस्सेदारी नहीं है? इस घर में किसी का कोई हिस्सा नहीं है, ये घर हमारा है। भानु प्रताप महाजन के होते हुए ऐसी नौबत कभी नहीं आएगी। और कल जो सुभद्रा बुआ ने कहा कि ढंग से अगर इन पेपर्स पर नजर डालोगी तो कोई ना कोई तरीका जरूर मिल जाएगा, पर मुझे कुछ भी नजर क्यों नहीं आ रहा है? रिलैक्स युक्ति, ये सारे बहुत काबिल लॉयर्स हैं, और अगर इन पेपर्स में कोई भी लूप होल हुआ ये इसे जरूर ढूंढ निकालेंगे। प्लीज प्लीज, अगर कोई भी लूप होल है तो उसे ढूंढिए। मेरा महाजन हाउस में रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, मेरी माँ के लिए, मेरे भाई, मेरी बहन के लिए। And trust me guys, this is my last chance. Please. भाई, ये मेरे कपड़े क्यों पैक कर रहे हो? क्योंकि ईशा तू यहां से जा रही है। भाई बनकर मुझे प्रोटेक्ट नहीं कर पाए तो यहां से भगा रहे हो? नहीं ईशा, ऐसी कोई बात नहीं है, बैठ यहां पे। मैं तुझे भगा नहीं रहा हूं ईशा, तेरा यहां पे दम घुटता है और तू यहां पे कुछ रह भी नहीं सकती। रहेगी भी कैसे, यहां पे कोई हमारा अपना नहीं है। मेरी तो मजबूरी है कि मैं यहां से कहीं दूर नहीं जा सकता, पर एटलीस्ट तू तो जा सकती है कहीं बहुत दूर। प्लीज चली जा बहन, आई नो वहां पे लोग अनजान होंगे, पर तू तो खुश रहेगी बहन, तेरे फ्यूचर के लिए भी अच्छा होगा। हमको लगता है डीजे मुझे इतनी आसानी से यहां से जाने देगा? कभी नहीं। ईशा तू डीजे से इतना डरती क्यों है? डीजे ने क्या किया तेरे साथ, प्लीज मुझे बता। बता दूंगी, लेकिन उससे पहले आपको बताना पड़ेगा कि आप डीजे के आगे पीछे घूमकर उनकी गुलामी क्यों करते हो। आप अपनी मजबूरी बताओ, मैं अपनी बता दूंगी। जो मैं कहूंगा, जब मैं कहूंगा वो करते रहना, क्योंकि द गेम इज वेरी सिंपल। तुम्हारी माँ की जान और उनकी धड़कन मेरे हाथ में है। ईशा मेरी मजबूरी माँ है, तू जानती है उनका ट्रीटमेंट चल रहा है यहाँ पे और कितना एक्सपेंसिव है वो, बस उन्हीं के खातिर मैं। भाई हम दोनों जुड़वा हैं, एटलीस्ट मेरे सामने तो ये झूठ मत ही बोलो प्लीज। सच नहीं बता सकते? नहीं बता सकते ना, तो मैं भी यहाँ से कहीं नहीं जा रही हूँ। जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, जिसको मेरे बारे में जो समझना है समझने दो, मुझे किसी को कुछ प्रूव नहीं करना, फिर वो चाहे दादा बाबू हो या कोई भी, आई डोंट केयर। मैं यहां से कहीं नहीं जा रही। कोई कहीं नहीं जाएगा।
कोई नहीं जाएगा कहीं, तुम्हारे पापा भी यहाँ नहीं है, युविका को भी पता नहीं क्या हो गया है, वो भी अभी यहाँ नहीं। जब तक पूरा परिवार साथ में नहीं होगा, कोई कहीं नहीं जाएगा। भाई, माँ, उमा, सॉरी सर, पेपर वर्क बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, कहीं पर भी उंगली रखने की कोई जगह नहीं है। You started all of this! तुम अपना फर्टीचर खानदान लेके मेरी परफेक्ट चल रही जिंदगी में आई। ये मैं तेरे हाथ पे बांध रही हूं, ये ना हमेशा तेरी रक्षा करेगा। पूरा टिफिन खाना, दोस्तों के साथ शेयर मत करना, अपना पेट भरना, ठीक है? बाबा, मैं कोशिश कर रही हूं, लेकिन हर कदम पे मुझे सिर्फ और सिर्फ हार ही मिल रही है। भावे मम्मी की तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो रही है और उन्हें इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत मेरी है, लेकिन मेरे महाजन हाउस में रुकने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। प्लीज बाबा, आप ही कोई रास्ता दिखाओ, आप ही कोई सोल्यूशन दो, कुछ तो है उस पेपर में जो मेरी हेल्प कर सकता है। थैंक यू सो मच पापा, थैंक यू सो मच। मिल गया। अर्जुन, गार्गी ताई जी, शी इज डन इट अगेन। कभी कभी तो मुझे लगता है ये फुल ऑन नाटक कर रही है। ताई जी प्लीज ऐसे मत बोलिए। क्यों क्यों ना बोलूं? उधार की जिंदगी जी रहे हो तुम सब लोग, दूसरों के टुकड़ों पे पलना अच्छा लगता है हाँ? इतनी सी भी शर्म होती ना तुम तो रात के अंधेरे में इस घर से चले जाते या पॉइजन खा लेते। बट नो, तुम लोगों ने ना तो कसम खाई हुई है कि हमारे गले में फंसी हुई हड्डी की तरह अटके रहोगे। मैम, आपसे कुछ अर्जेंट बात करनी है। बारह मैम, उनकी तो बहुत ज्यादा हालत खराब है, तो वो इंजेक्शन फिर से दे दो। मैम, वो उस इंजेक्शन का एक भी डोज बर्दाश्त नहीं कर सकती, या तो ब्रेन हेमरेज हो जाएगा या वो मर भी सकती है। मरती है तो मर जाने दो, तुम्हें उससे क्या, तुम्हें जो काम कहा गया है वो चुपचाप से करो।
वैसे भी भूमि हमारे किसी काम की नहीं अभी। जाओ। Yes, Digvijay. What is it? I'm really sorry for what happened. And as a gesture of apology, आपके लिए हमने महाजन होटल में, as promised, एक प्रीमियम स्वीट बुक किया। वैसे तो मुझे बहुत ऑड लग रहा है ये रिक्वेस्ट करते हुए, बट प्लीज आज आप आज के आज ही शिफ्ट हो जाइए। कल की हमारी मजबूरी थी, बट आज आप शिफ्ट हो सकती हैं। एंड आई एम सॉरी। एक्चुअली हमारे घर में दादा बाबू के डिसीजन के खिलाफ कोई नहीं जाता। अगर मेरे हाथ में होता तो मैं कभी भी आपसे ऐसी रिक्वेस्ट नहीं करता। आई होप यू अंडरस्टैंड। इट्स ओके दिग्विजय, आई अंडरस्टैंड। मैं बस अभी एक मीटिंग के लिए पहुंची हूँ। ये मीटिंग खत्म करते ही मैं महाजन हाउस को छोड़कर चली जाऊंगी। डोंट वरी। थैंक यू सो मच मिस मुल्तानी। बाय। तो क्या लगता है ऑफिसर्स, काम हो जाएगा? नहीं, ये काम करना मुश्किल है। इम्पॉसिबल तो नहीं है ना, आप लोग एक्सपर्ट्स हैं, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। जी नहीं मैम, ये काम हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। समझिए, महाजन बहुत बड़े लोग हैं, वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, हमारे लिए काम मुश्किल है। रोज, ठीक है मैम, हम ट्राई करते हैं। सिर्फ ट्राई नहीं करेंगे यार, आज के आज ये काम हो जाना चाहिए। आप लोग ये काम कर सकते हैं क्योंकि अभी महाजन का इस पर ध्यान नहीं है, और अगर कल के दिन वो लोग हमें कोर्ट में चैलेंज भी करते हैं तो आपको पता है हिंदुस्तान में तो सालों साल केसेस चलते रहते हैं, ये भी चलते रहेगा, लेकिन तब तक मेरा काम हो जाएगा। तो मैं आपकी साइड से अपना ये काम डन समझ रही हूं। रोज, ठीक है, काम होने के बाद हम आपको इन्फॉर्म करेंगे, पर मोबाइल पे नहीं, लैंडलाइन पर कॉल करेंगे। ध्यान से देखिए, कार्ड पर लैंडलाइन नंबर ही मेंशन्ड है, मोबाइल नंबर नहीं। ठीक है मैम। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.